दोस्तों ये है महिंद्रा XUV 500 W10 मॉडल 2016 का मॉडल है और ये गाड़ी हमारे पास में आई है जामनगर गुजरात से, जो कि हमारे तहसील आंवला जिला बरेली से करीब 1650 किलोमीटर दूर है। तो इसमें कुछ छोटी छोटी कमियां हैं, दिखाता हूँ आपको। जैसे कि ये एयर फिल्टर बॉक्स है, ये आप देख रहे हैं ना किस तरह से हिल रहा है। इसकी अभी थोड़ा टाइम पहले सर्विस कराई गाड़ी की, तो इसमें देखो क्या क्या कमियाँ वो आपको बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं इधर एक बोल्ट लगा होता है, तो एक बोल्ट इसमें कम लगाया है। दूसरी चीज़ क्या है कि एयर फिल्टर का जो बॉक्स है वो ठीक से फिटिंग नहीं किया है। चलिए दिखाता हूँ आपको, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर आपको ये देख रहे हैं ना, ये नीचे की साइड में जो फसाया होता है, जो इसमें एक दो घुंडी होती हैं प्लास्टिक के, दो एक ठिए होते हैं जिसके अंदर ये बॉक्स जाकर बैठता है, तो उसमें नहीं फंसाया, ऊपर ऐसे ही रख दिया है। और इसमें और क्या कमी है वो भी बताता हूँ। ये इसका EGR वाल्व है, EGR वाल्व में एक पाइप लगा होता है वैक्यूम मॉड्यूलेटर का, वो पाइप भी नहीं फंसाया है, क्योंकि अभी थोड़े टाइम पहले इसका टर्बो भी चेंज कराया था राशिद भाई ने। तो अभी दोस्तों एयर फिल्टर बॉक्स को हमने बाहर निकाल दिया है, अब आपको मैं थोड़ा ठीक से समझा पाऊँगा। ये इसका EGR वाल्व है, EGR वाल्व के ऊपर ये जो पाइप लगा होता है ये वैक्यूम मॉड्यूलेटर से आता है, तो ये यहाँ पर लगा होता है। और बाकी इसका ये फ्यूल टेम्परेचर सेंसर का जो कपलर है, ये भी एयर फिल्टर फिटिंग के टाइम पे टूट जाता है, तो उसको ठीक से नहीं लगाते हैं लोग और ये यहाँ पर टूट जाता है। ये देख रहे हैं ना, एक तार तो बिल्कुल टूटकर अलग हो गई है और दूसरी टूटने की कगार पे है। तो इस तरह से जुगाड़ करके लगा दिया, ऐसा काम नहीं होता है। अगर एयर फिल्टर कभी खोल रहे हैं तो पहले कपलर को उसको हटा दें, उसके बाद ही एयर फिल्टर का ये वाला बोल्ट खोलना चाहिए, तब ये तारें नहीं टूटती हैं। खैर कोई बात नहीं। और ये जो बोल्ट है ये भी ठीक से नहीं लगाया है, एयर फिल्टर बॉक्स जो है इसीलिए पूरी तरह से हिल रहा था। और बाकी इंजन में कुछ छोटी छोटी और भी कमियां हैं, जैसे कि ये टर्बो चार्जर आप देख रहे हैं ना सामने की तरफ लगा हुआ है, ये अभी थोड़े टाइम पहले ही बदलवाया है, जस्ट अभी ज़्यादा से ज़्यादा इसको मेरे ख्याल से 15 या 20 दिन हुए हैं अभी। और दोस्तों नया वाला टर्बो लगाते के साथ ही इसमें एक आवाज़ आने लगी, सर 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 इस तरह की एक आवाज़ आने लगी, तो बता दिया गया इन्हें कि आपका नया वाला टर्बो भी ख़राब है, इसको चेंज करके आप दूसरा टर्बो लगवाओ। तो दोस्तों टर्बो हमने खुलवा दिया अभी, और टर्बो में क्या कमी थी, टर्बो के अंदर कोई कमी नहीं थी, कमी कहाँ पर थी वो आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। इसका जो एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड है और इसका जो कैटेलिक कन्वर्टर, इसके बीच में जो पैकिंग लगे होते हैं दो, तो इसका जो पैकिंग है ये तीन सुराख वाला, पहले आपको टर्बो चार्जर दिखा दूँ। ये नया टर्बो चार्जर है टेल कंपनी का, ओरिजिनल ही लगवाया था, उसके बाद में ये आवाज़ आने लगी। ये तीन सुराख वाला पैकिंग जो यहाँ पर लगा होता है ये तीन बोल्टों से, तो ये 12 नंबर के बोल्ट लगे होते हैं इसके अंदर दोस्तों, तीन बोल्ट होते हैं। सबसे पहली बात तो ये बोल्ट जो हैं वो ठीक से नहीं टाइट किए गए थे, और इसकी जो थ्रेड है, इसकी जो चूड़ियाँ हैं ना आप देख सकते हैं, वो पूरी तरह से बेंड हो गई हैं। तो जब चूड़ी बेंड हो गई हैं, इसकी थ्रेड बेंड हो गई हैं, तो वो कसाव कहाँ से लेगा, लूजिंग रह गई, इसलिए छुक छुक की आवाज़ आने लगी। और ये पैकिंग जो है जब लूज़ होता है, पैकिंग जल जाता है इस तरह से, तो इसका ये पैकिंग जो है ये पूरी तरह से जल गया है, तो इसका हम पैकिंग चेंज करेंगे और इसके बोल्ट चेंज करेंगे। बस इतनी सी कमी की वजह से बता दिया गया कि आपका टर्बो चार्जर नया वाला भी ख़राब है। तो थोड़ा अपनी तरफ भी भाई ध्यान दें, जो भी मैकेनिक भाई देख रहे हैं, हालांकि कोई भी नहीं चाहता है कि मैं लापरवाही करूं, लेकिन अगर किसी कस्टमर का काम कर रहे हैं ना भाई, तो बहुत ज़िम्मेदारी से करें, बहुत सारा पैसा लगता है, कस्टमर का दिल दुखता है अगर काम, पैसा लगाने के बाद भी काम ना हो। तो ये पैकिंग हमने नया मंगा लिया, ये हम नया वाला लगवाएंगे और उसके बाद में ये आवाज़ बिल्कुल बंद हो जाएगी। और भी इसमें बहुत सारे काम है, जैसे सस्पेंशन का काम है, तो सस्पेंशन भी हम खोलेंगे इसका पीछे वाला। आगे वाला सस्पेंशन तो हमने पहले कर दिया था, ये गाड़ी पहले भी आई थी हमारे पास। तो दोस्तों अभी ये गाड़ी का जो रियर सस्पेंशन है, पीछे वाला जो सस्पेंशन है वो हमने खुलवा दिया है, और ये गाड़ी गुजरात जामनगर से हमारे पास में आई है। और इससे पहले ये गाड़ी हमारे पास करीब 2.5-3 महीने पहले भी आई थी। इस गाड़ी का हमने फ्रंट सस्पेंशन का काम किया था, पूरा एसी का काम किया था, और ये गाड़ी हमारे पास में पहले जब काम करा के गई, काम पसंद आया राशिद भाई को, तो वापस से हमारे पास फिर से आए हैं, इतना दूर से गुजरात से, हमारे तहसील आंवला में, जो कि जिला बरेली में तहसील है ये हमारी आंवला, तो आंवला में वापस आए अपनी गाड़ी का काम कराने के लिए। तो दोस्तों काम जब किसी को भी अच्छा लगेगा तभी कस्टमर रिपीट आएगा, फिर से आएगा, वापस आएगा, और अगर काम समझ में नहीं आएगा तो दोबारा कोई नहीं आता है। तो काम अच्छा करें, जो भी मेरे मैकेनिक भाई देख रहे हैं दोस्तों, काम अच्छे से अच्छा करके दें। अभी सस्पेंशन के हमने सभी पार्ट्स खुलवा दिए हैं, और सस्पेंशन की जितनी भी रॉडें होती हैं, जो इसके आर्म होते हैं, जो इसके शॉक एब्जॉर्बर हैं, वो सब हमने खोलकर बाहर निकाल लिए हैं, और एक एक करके सबको चेक करेंगे। हालाँकि चेक क्या करना है, ये सस्पेंशन में ज़्यादातर पार्ट्स जो हैं वो कटे हुए हैं, ख़राब हो गए हैं। जैसे इसके शॉक एब्जॉर्बर हैं,
हालांकि ये बहुत ज़्यादा ख़राब तो नहीं लग रहे देखने में, लेकिन इसको हम चेंज ज़रूर करेंगे। और ये जो आप देख रहे हैं ना दोस्तों, ये बाल जॉइंट अपर लिंक फ्रंट के नाम से आता है, ये बुश है, ये बाल जॉइंट भी कहलाता है, बाल जॉइंट के नाम से ही मिलेगा आपको। और 1742 रुपये का एक आता है महिंद्रा का ओरिजिनल, लेकिन ये सही है, इसको हमने चेक किया तो ये बिल्कुल सही है, तो ये पुराना ही रहने देंगे। और ये दो लगते हैं, यानी एक साइड में एक लगता है और ये दूसरी साइड में इधर लगता है एक बुश, तो बुश तो लगभग सारे ही बदले जाएंगे, क्योंकि हमने इसकी बुश किट ओरिजिनल मंगवा ली है महिंद्रा की, तो उसमें सारे बुश आते हैं, तो ये सारे बुश हम बदलेंगे, क्योंकि ये चटक गए हैं, फटने लगे हैं, आपको वीडियो में शायद दिख रहे होंगे, थोड़ा सा और ठीक से दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये बुश जो हैं जगह छोड़ गए हैं, तो अब ये चटक गए हैं, तो ये अभी कुछ समय बाद बिल्कुल से फट जाते, तो इसी हिसाब से ये बुश जो हैं वो ज़्यादातर बदलने की कंडीशन में। हालाँकि कुछ बुश ऐसे होते हैं जो थोड़े थोड़े ठीक भी होते हैं, लेकिन बुश किट हमने मंगाई है पूरी नई, तो वो हम पूरी ही चेंज करेंगे, क्योंकि कुछ बुश ज़्यादा कट गए हैं और कुछ बुश कम दबे हुए हैं, अब मतलब आगे चल के थोड़ा बहुत टाइम के बाद में कट जाते हैं, तो इसलिए ये हमने पूरी किट मंगा ली है। बाकी ये जो इसकी टॉय बार असेंबली कहलाती है, ये पूरी इसमें एक तरह से एंड लगा होता है साइड में, और इससे इसका अलाइनमेंट भी मिलाया जाता है, तो ये भी कट चुकी है दोस्तों। और ये कटने का एक रीज़न ये भी था, इसका जो रबर का बूट है ये फट गया, इसके अंदर पानी गया है, इसके अंदर का ग्रीस सूख कर जंग बन गया, इसलिए भी कटी है। तो अभी दोस्तों रियर सस्पेंशन के हमने सभी पार्ट्स खुलवा दिए हैं, और अभी सभी जितने पुराने वाले बुश हैं वो निकलवा देंगे, और नए वाले जो बुश किट हमने मंगवा ली है वो नई बुश किट इसमें लगवा दी जाएगी, और इसमें नए शॉकर लगवाएंगे। तो ये इसकी नई वाली बुश किट है महिंद्रा की ओरिजिनल, तो इसमें सभी लगभग टोटली बुश आते हैं, तो ये सारे बुश हमने महिंद्रा के ओरिजिनल मंगवा लिए, आपको थोड़ा दिखा दूँ वीडियो में। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये महिंद्रा के ओरिजिनल बुश हैं, तो ये सारे बुश हमने मंगवा लिए हैं, और इसको अभी हम बेचकर और इसको लगवा देंगे प्रेस मशीन से, और उसके बाद में सारी रॉडें तैयार हो जाएंगी ये, फिर उसके बाद में हम इस सस्पेंशन को पूरी तरह से गाड़ी में फिटिंग करवा देंगे। और अभी शाम का टाइम हो रहा दोस्तों, तो इसमें रात हो जाएगी, अभी काम चल रहा है अभी। और बाकी जो टर्बो चार्जर है, टर्बो चार्जर का फिटिंग का काम चल रहा है, तो सभी फिटिंग करने में हमें बहुत ज़्यादा रात हो जाएगी। और दोस्तों ये दोनों टॉय बार असेंबली हमने नई मंगवा ली हैं ओरिजिनल, और ये दोनों ही हम बदलेंगे, क्योंकि दोनों में ही पिले बन गई थी और दोनों ही कट 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 की आवाज़ कर रही थी, तो ये दोनों हमने ओरिजिनल मंगवा ली है अभी महिंद्रा की, और इसके बाद में ये गाड़ी में हम फिटिंग करवा देंगे। तो सस्पेंशन में लगभग हमारे सभी पार्ट्स नए हो गए, जैसे हम इसके दोनों रियर शॉकर बदल रहे हैं, सस्पेंशन के सारे बुश बदल रहे हैं, टॉय बार असेंबली ये बदल रहे हैं, बाकी इसकी जो रियर लिंक रॉडें हैं वो बिल्कुल सही हैं, बिल्कुल न्यू कंडीशन है, तो वो हमने पुरानी ही इसमें लगाई हैं। बाकी इसके बैलेंस रॉड के बुश हम ज़रूर बदलवाएंगे, तो ये इसके रियर बैलेंस रॉड के बुश हैं दोस्तों, जो कि दो पीस लगे होते हैं, तो हमने एक एक करके खुलवाया है, एक साइड का भी खुलवा दिया है, ये इसका पुराना वाला बुश है बैलेंस रॉड का। तो जब भी कभी सस्पेंशन करें इन बुशों को ज़रूर चेंज करें, इनको बदलना बहुत ज़रूरी होता है। और ये यहाँ पर लगे होते हैं दोस्तों, ये इसकी बैलेंस रॉड है, और ये पुरानी लिंक रॉड लगी हुई है बाहर की तरफ, वो सही है, ये बैलेंस रॉड इस तरह से लगी होती है, और अंदर की साइड में इसके फ्यूल टैंक के पीछे की साइड में यहाँ पर चेंचिस में इधर लगा होता है इसका बुश, तो ये बुश जो है अंदर जगह कम होती है, कुछ लोग क्या करते हैं कि इसको छोड़ देते हैं, बोले ये ठीक है आपका रहने दो, लेकिन इस बुश को ज़रूर बदलवाएँ, इससे भी कट 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 की आवाज़ आती है, तो बैलेंस रॉड के बुश ज़रूर बदलें, भले ही इसमें खोलने में थोड़ा टाइम लगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो बुश ज़रूर बदलें। तो दोस्तों सस्पेंशन के सारे बुश जो हमने भेजे थे प्रेस मशीन पर लगने के लिए, तो वो लगकर आ गए हैं हमारे, रेडी हो गए हैं, और अभी हम इसको साफ़ करवा के उसके बाद में गाड़ी में फिटिंग करवा देंगे सबको। तो सारी रॉडों के जो बुश हैं वो हमने नए लगवा दिए, आप देख सकते हैं आपको वीडियो में दिख रहे होंगे, तो ये सारे बुश चेंज होने के बाद में इसकी सफाई करके फिर इसको हम गाड़ी में फिटिंग करवाएंगे। और ये जो दोस्तों इसका नकल का जो बुश है, तो इसका एक ही साइड का कटा था, तो एक एक साइड का हमने दोनों बुश ये बदलवा दिए। बाकी जो इस नकल में जो बाल जॉइंट जो लगा होता है ये वाला, मैं आपको दिखाऊं थोड़ा ऊपर की साइड में ये वाला, तो ये बाल जॉइंट जो है वो दोनों साइड के ठीक थे, यानी इस साइड का लेफ्ट साइड का भी ठीक था और राइट साइड का भी, तो ये 1742 रुपये का एक आता है, यानी दोनों करीब 3500 रुपये के आसपास के हो गए, तो ये दोनों भी ठीक निकले, तो ये हम पुराने ही लगवाएंगे। और दोस्तों अब शाम हो चुकी है और लगभग थोड़ी बहुत देर में रात भी होने वाली है, तो इससे सब फिटिंग करने में हमें काफ़ी समय लग जाएगा, तो अब गाड़ी को पूरा कंप्लीट कर लेते हैं,
ओके, अल्लाह हाफिज़ राशिद भाई, आराम से पहुंचो घर पे। तो दोस्तों अभी गाड़ी पूरी कंप्लीट हो गई है और रात का समय हो गया है, तो राशिद भाई जा रहे हैं अभी अपने घर की तरफ को और रात के करीब करीब बज रहे हैं 11। ठीक है, वालेकुम अस्सलाम भाई। तो राशिद भाई जा रहे हैं अभी अपने घर पे को, और ये गाड़ी में जो जो हमने काम किया था, जैसे सस्पेंशन का काम किया था, इसका टर्बो चार्जर लीकेज था, सभी काम कर दिया, गाड़ी बिल्कुल ओके हो गई है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।